अगर आप एक डॉग लवर हैं और अपने घर के लिए एक वफादार साथी लाना चाहते हैं और किसी दो नस्लों के बीच कंफ्यूज हैं, तो आप हमारे चैनल पर वर्सेस सीरीज देख सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व कर देगी। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही दो एपिक्स डॉग को कंपेयर करने वाले हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम बना रहे हैं, रियल टाइम इवेंट्स कुछ और हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डॉबरमैन वर्सेस लैब्राडोर। डॉबरमैन एक अलर्ट, लॉयल और फियरलेस डॉग होने के साथ एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन जर्मनी से है। और डॉबरमैन की हाइट 26 टू 28 इंचेस तक होती है और इसका वजन 35 टू 45 केजी तक हो सकता है। वहीं लैब्राडोर एक एक्टिव, फ्रेंडली और आउटगोइंग होने के साथ एक मीडियम टू लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन न्यूफाउंडलैंड से है। और लैब्राडोर की हाइट 23 टू 25 इंचेस तक होती है और इसका वजन 30 टू 37 केजी तक होता है। ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन, अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर फैक्टर्स पर। पॉपुलैरिटी किसी भी नस्ल की जानकारी और अवेलेबिलिटी को आसानी से लोगों तक पहुंचा देता है और लोग उस नस्ल को ठीक तरह से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में डॉबरमैन 16th नंबर पर आता है, वहीं लैब्राडोर मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की लिस्ट में नंबर 1 पर है। टोटल अटैक्स। किसी भी डॉग ऑनर के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी कि उसका डॉग अननेसेसरी किसी पर भी अटैक करता रहे, वरना इस चीज़ के लिए उसे पुलिस के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं और अपना डॉग भी गंवाना पड़ सकता है। डॉबरमैन अपने टेम्परामेंट को लेकर ज़्यादातर कूल देखे जाते हैं। 2005 से 2007 तक डॉबरमैन ने 6 अटैक्स करे थे और स्टैटिक्स के हिसाब से ये नंबर 10 पर आता है। वहीं लैब्राडोर अपने टेम्परामेंट को लेकर पेशेंस और प्रोटेक्टिव देखे जाते हैं। 2005 से लेकर 2007 तक लैब्राडोर ने 9 अटैक्स करे थे और स्टैटिक्स के हिसाब से ये नंबर 8 पर आता है। बाइट फोर्स एक अहम पहलू होता है किसी भी नस्ल की हार या जीत को तय करने के लिए, मगर ज्यादातर लोग इसे फाइट पैरामीटर से बाहर रखते हैं। डॉबरमैन एक लार्ज साइज ब्रीड होने के साथ 228 PSI तक जनरेट कर सकता है। वहीं लैब्राडोर एक मीडियम टू लार्ज साइज ब्रीड होने के साथ 230 PSI तक बाइट फोर्स जनरेट कर लेता है। वैसे हमने डॉग बाइट फोर्स और बिग कैट बाइट फोर्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। वॉच एंड प्रोटेक्टिवनेस। लैब्राडोर अमेरिकन कैनल क्लब के हिसाब से 3-स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड है। वहीं डॉबरमैन AKC के हिसाब से 5-स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड कहा गया है। विथ स्ट्रेंजर्स एंड किड्स। लैब्राडोर को स्ट्रेंजर्स के साथ अलर्ट रहते देखा गया है और बच्चों के साथ ये बहुत ही आसानी से ढल जाते हैं। वहीं डॉबरमैन भी स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत अलर्ट और एक्टिव रहते हैं और बच्चों के साथ बहुत ही आसानी से ढल जाते हैं। ये दोनों ही ब्रीड लार्ज साइज डॉग ब्रीड होते हैं, तो बच्चों के साथ रखते समय इन पर नजर रखने में कोई बुराई नहीं है, वरना इनका बड़े आकार का शरीर बच्चों को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। इंटेलिजेंस एंड लाइफ स्पैन। एक डॉग हमेशा अपनी समझ से अलग पहचान बनाता है ताकि जिस काम के लिए उसे पहचान मिली है वो उसे ठीक तरह से पूरा कर सके। 2022 की रैंकिंग में डॉबरमैन 5th इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड था और इसका लाइफ स्पैन 10 से लेकर 12 साल तक होता है। वहीं लैब्राडोर 2022 की रैंकिंग में 7th इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड रहा था और इसका लाइफ स्पैन 11 से लेकर 13 साल तक होता है। तो इंटेलिजेंस के लिए डॉबरमैन को और लाइफ स्पैन के लिए लैब्राडोर को एक एक पॉइंट मिलता है। एनर्जी लेवल। डॉबरमैन एक हाईली एक्टिव और एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है और इसका एनर्जी लेवल को 5-स्टार रेटिंग मिला है। वहीं लैब्राडोर भी एक वर्किंग और स्पोर्टिंग डॉग ब्रीड होने के साथ हाईली एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है और एनर्जी लेवल में इसे भी 5-स्टार रेटिंग मिला है। इन दोनों ही डॉग ब्रीड की एनर्जी को ठीक तरह से चैनलाइज करने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वरना ये एग्रेसिव हो सकते हैं। तो ये थी हमारी एक वर्चुअल फाइट बिटवीन डॉबरमैन एंड लैब्राडोर। तो कैसी लगी ये वीडियो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा मकसद आप तक स्टैटिस्टिकल डेटा पहुंचाना है, ना कि किसी नस्ल को कम या ज़्यादा बताना। तो आपकी जो भी निजी राय हो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।